1920 में कवर्ड है, 21 तक के। हमारे सिलेबस में सिर्फ सेक्शन 16, 17, 18 है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि सेक्शन 16 हमको बताता है कि व्हाट आर द कंडीशंस फॉर अवेलिंग आईटीसी। तो आपको लिखा हुआ है कि चार चीजें होना चाहिए। यू शुड हैव एन इनवॉइस और अ टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट, रिसीट, यू शुड रिसीव द गुड्स और सर्विसेज, एंड यू शुड मेक द पेमेंट ऑफ टैक्स टू द गवर्नमेंट। यू शुड नॉट मेक द पेमेंट, जो आपका सप्लायर है उसने इवेंचुअली गवर्नमेंट को टैक्स पे करना चाहिए, तभी आपको आपका क्रेडिट जो है वो फाइनल होगा। एंड यू शुड फर्निश द रिटर्न शुड बी फर्निश्ड बाय द क्लेमेंट, है ना, तभी आपको क्रेडिट मिलेगा, आपने रिटर्न फर्निश किया तो। तो कौन से डॉक्यूमेंट के बेसिस पे क्रेडिट मिलता है रजिस्टर्ड पर्सन को? तो इनवॉइस इशूड अंडर सेक्शन 31, देन डेबिट नोट इशूड अंडर सेक्शन 34, ओके, बिल ऑफ एंट्री, इनवॉइस प्रिपेयर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ रिवर्स चार्ज अगर अनरजिस्टर्ड से आपने सप्लाई लिया है तो। बिल ऑफ एंट्री में देखो कस्टम्स में बीसीडी के ऊपर में आईजीएसटी लगता है, इसमें से आप आईजीएसटी का क्रेडिट ले सकते हो, ठीक है। रिवाइज इनवॉइस, अगर सप्लायर ने रिवाइज इनवॉइस इशू किया है तो उसका आप क्रेडिट ले सकते हो। एंड डॉक्यूमेंट इशूड बाय आईएसडी अंडर रूल 54(1), ओके, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट रिफर्ड अंडर रूल 39(1)(g). इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर आपके सिलेबस में है नहीं तो उसकी चिंता मत करो। तो ये वाले डॉक्यूमेंट्स का हम लोग क्रेडिट ले सकते हैं। व्हाट आर द अदर डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट्स? तो आपके पास में डॉक्यूमेंट होना चाहिए तभी आपको क्रेडिट मिलेगा, ओके। डॉक्यूमेंट अगर आपकी गुम गई, मिसिंग है, तो फिर आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। यू शुड नॉट टेक द क्रेडिट ऑफ दैट। सो सभी डॉक्यूमेंट में प्रॉपर पर्टिकुलर्स कंटेंट होना चाहिए, एंड GSTR 2 में जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपने फर्निश करना है, बट GSTR 2 फिलहाल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब व्हाट आर द मिनिमम डिटेल्स जो सामने वाले पर्सन की डॉक्यूमेंट है उसमें कम से कम क्या क्या डिटेल्स रहना चाहिए? तो टैक्स अमाउंट, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, टोटल वैल्यू ऑफ द सप्लाई, GSTIN ऑफ द सप्लायर एंड रेसिपियंट, प्लेस ऑफ सप्लाई इन द केस ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई। तो ये मिनिमम ये पांच चीजें तो डॉक्यूमेंट में रहना चाहिए, है ना, अगर आपको क्रेडिट चाहिए तो। अमाउंट ऑफ टैक्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई, GSTIN दोनों का, एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, मिनिमम, ओके। और अगर सामने वाले पर्सन ने उसकी डिमांड जो है वो फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट या सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स के सर्कमस्टेंसेस में कंफर्म की गई, तो फिर ITC अवेलेबल नहीं रहेगा रेसिपिएंट को। अब यहां पर हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं कि ITC इज रिस्ट्रिक्टेड ऑन इनवॉइसेस और डेबिट नोट्स विच आर नॉट अपलोडेड बाय सप्लायर इन इज GSTR 1। अब क्या होता है ना, आप लोगों को रिटर्न का भी सिस्टम पता है। सप्लायर अपने GSTR 1 में डिटेल बेसिस पे क्या करता है, एक एक इनवॉइस का डिटेल अपलोड करता है। अगर कोई सप्लायर ने आपको B2B सप्लाई किया है, आप उसका क्रेडिट लेने के लिए एलिजिबल हो, लेकिन सप्लायर ने उसके GSTR 1 में उसका अभी तक की डिटेल अपलोड नहीं किया, सो दैट वो आपके GSTR 2A में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, ओके, आपके GSTR 2 में वो ऑटोमेटिक सिस्टम से रिफ्लेक्ट होता है अगर सप्लायर ने अपलोड किया है तो। तो फिर जितना क्रेडिट आपके GSTR 2A में रिफ्लेक्ट हो रहा है, आप उसके ऊपर और 10% तक का क्रेडिट ले सकते हो प्रोविजनल बेसिस पे, कि भाई सप्लायर आगे जाकर के तो अपलोड कर ही देगा, ठीक है। लेकिन अगर अगर आप ज्यादा क्रेडिट लेना चाहते हो तो वो अभी पॉसिबल नहीं, जब तक कि सप्लायर अपना अपलोड नहीं करेगा। ये 10% का 5% आपके ही सिलेबस में हुआ है या बाद में हुआ है, एक बार कंफर्म कर दो। 10 का 5 हमारी इसमें भी एप्लीकेबल एप्लीकेबल है। ना? यस, 10 की जगह 5 हो चुका है। तो आपको ये सर्कुलर वगैरह भी उसी हिसाब से पढ़ना है। तो क्या होता है ना, अलग अलग एग्जाम में अलग अलग सिलेबस एप्लीकेबल रहता है। तो आपकी जब बुक छपी थी तब ये 10 था, लेकिन उसके बाद में 5% हो चुका है, 5% विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2021। तो यस, डेफिनेटली आपका जो दिसंबर में एग्जाम है उसमें 5% एप्लीकेबल रहेगा। तो मतलब कि अगर आपके GSTR 2A में सप्लायर्स के द्वारा अपलोडेड इनवॉइस का टैक्स आपको दिख रहा है सिर्फ ₹1 लाख, तो आप सिर्फ 1,05,000 तक का क्रेडिट ले सकते हो, 5% एक्स्ट्रा ले सकते हो। अगर आपको पता है कि आपके पास में ऐसा इनवॉइस है जिसका डिटेल सप्लायर ने अपलोड नहीं किया, तो उसका पूरा क्रेडिट तो नहीं, बट ₹5,000 उस पोर्शन का आप ले सकते हो जो डिटेल सप्लायर ने अपलोड नहीं किया वो, लेकिन उसके ऊपर का क्रेडिट अभी नहीं ले सकते हो। बाद में जब सप्लायर अपलोड करेगा तो जितना सप्लायर ने अपलोड किया उसका 1,05% तक की क्रेडिट ले सकते हैं। तो ये एक रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर आ चुका है। तो ये टैक्स पेयर को खुद ही सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे ही जो है ये रिस्ट्रिक्शन के हिसाब से ही क्रेडिट लेना होगा, है ना, ज्यादा क्रेडिट नहीं ले सकता है, ठीक है। इनवॉइसेस और डेबिट नोट्स ऑन विच रिस्ट्रिक्शन शैल अप्लाई, तो आपको लिखा है जो 9 अक्टूबर 2019 के बाद के हैं, ठीक है, उसकी चिंता मत करो। अब जो
इंपोर्ट पे बिल ऑफ सप्लाई वाले केसेस है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वाले हैं, आईएसडी वाले, उस पर अप्लाई नहीं होता है, सिर्फ इनवॉइसेस या डेबिट नोट पे अप्लाई होता है। ओके, इसको हम लोग सप्लायर वाइज कैलकुलेट नहीं करेंगे, इसको कंसोलिडेटेड बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे, है ना। सभी सप्लायर्स का टोटल, सभी सप्लायर्स ने मिलकर के कितना अपलोड किया है, हमारे इसमें कितना रिफ्लेक्ट हो रहा है, उसका 105% तक के हम लोग क्रेडिट ले सकते हैं। देन जीएसटीआर 2A जो है एक डायनेमिक डॉक्यूमेंट है, सप्लायर जैसे अपलोड करता है फिर जीएसटीआर 2A में वो अपडेट हो जाता है। तो हम लोग कौन से डेट का लेंगे, तो उन्होंने बोला है कि आपका जो जीएसटीआर 1 सॉरी सप्लायर के जीएसटीआर 1 फाइलिंग करने का ड्यू डेट है, उस दिन जो जीएसटीआर 2A में ऑटो पॉपुलेट हो रहा है उसके हिसाब से लिया जाएगा, एज ऑन द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स ऑफ जीएसटीआर 1 ऑफ द सप्लायर्स फॉर द सेट टैक्स पीरियड। ओके, जीएसटीआर 2A जो आपके पास में अवेलेबल है उस दिन का, उसका 105% तक के आप ले सकते हैं। इसका एग्जाम्पल आपको दिया है, एग्जाम्पल 10% के हिसाब से दिया है, आप इसको 5% के हिसाब से समझ सकते हो, है ना। अगर 6 लाख रुपीज का आईटीसी आपको दिख रहा है, बाकी का आईटीसी दिख नहीं रहा है, तो आप 6 लाख प्लस 5% मतलब 6,30,000 तक का आप क्रेडिट ले सकते हो। 7 लाख का दिख रहा है तो 7 लाख प्लस 5% मतलब 7,35,000 तक आप ले सकते हो। अगर आपको ज्यादा दिख रहा है और 5% मिलाने के बाद आपके पास जितने इनवॉइसेज उससे भी ज्यादा हो रहा है, यू कैन नॉट टेक मोर क्रेडिट, मतलब आपको जितना सप्लाईज मिला है उससे ज्यादा का आप क्रेडिट नहीं ले सकते हो। अगर आपके सभी सप्लायर ने बकायदा अपलोड कर दिया है उनके जीएसटीआर 1 और आपको पूरा दिख रहा है, तो फिर आप उसका 105% मत करना, क्योंकि ऑलरेडी आप पूरा क्रेडिट ले रहे हो। देन गुड्स और सर्विसेज शुड बी रिसीव्ड, अगर आपको रिसीव हो गए तो आप क्रेडिट ले सकते हो, लेकिन आपके बोलने पर अगर किसी एजेंट या थर्ड पार्टी को रिसीव हुए तो भी आप क्रेडिट ले सकते हो, बिकॉज वो भी रिसीट का ही एक मैकेनिज्म होता है ना। जब आपके बोलने पर बिल टू शिप टू मॉडल ए ने बी को बोला कि मेरे यहाँ पे सी को गुड्स डिलीवर कर देना, तो इन दैट केस अगेन ए क्रेडिट ले सकता है अगर बी ने ए के ऊपर इनवॉइस रेस किया है तो। सिमिलरली सर्विस भी, अगर एक पर्सन के डायरेक्शन पे दूसरे पर्सन ने तीसरे को प्रोवाइड किया तो भी सप्लायर जो रेसिपियंट है जिसको बिल मिल रहा है वो क्रेडिट ले सकता है। देन इफ द गुड्स आर रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट्स और लॉट्स, तो ये आपको याद रखना है प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए, लास्ट लॉट मिलने के बाद ही आप उसका आईटीसी ले सकते हो। क्रेडिट इज कैन बी टेकन ओनली अपॉन द रिसीट ऑफ लास्ट लॉट, प्रोपोर्शनेटली आप नहीं ले सकते हो। देन जो आपका सप्लायर है उसने गवर्नमेंट को प्रॉपरली टाइम से जीएसटीआर 3B के हिसाब से टैक्स पे कर देना चाहिए, है ना, तो आपका आईटीसी तभी कंफर्म होगा। अभी तो आप जो एक्स्ट्रा आईटीसी ले रहे हो वो सिर्फ प्रोविजनल बेसिस पे ले रहे हो, लेकिन जब वो पे कर देगा तब मैच होगा और तभी आपका आईटीसी जो है वो फाइनल होगा। देन पेमेंट टू सप्लायर, अगर आपने सप्लायर को वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड टैक्स का पेमेंट 180 डेज के अंदर नहीं किया रेसिपिएंट ने, तो फिर उसको क्रेडिट रिवर्स करना पड़ता है ना, 181st डे के दिन क्रेडिट रिवर्स करना पड़ता है, और उसके बाद जब पेमेंट किया तब क्रेडिट वापस ले सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि ही शुड रिवर्स द क्रेडिट एंड द अमाउंट शुड बी एडेड टू हिज आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी अलॉन्ग विद इंटरेस्ट ऑफ 18%। तो आपको ध्यान रखना है जो आपके जीएसटी वाले सप्लाईज है जिसमें आप आईटीसी लेते हो उसमें आप 180 डेज के अंदर अंदर पेमेंट कर दो सप्लायर को, वरना क्रेडिट टेम्पररी बेसिस पे रिवर्स हो जाएगा जब तक आप पेमेंट नहीं करते तब तक। तो सप्लाईज रिवर्स चार्ज वाले केसेस में ये पेमेंट वाली कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप सप्लायर को टैक्स पे ही नहीं करते हो, टैक्स डायरेक्टली आप गवर्नमेंट को पे करते हो, जहाँ पर कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है वहाँ पर पेमेंट का सवाल ही नहीं उठता। एंड सेक्शन 15(2)(b) जहाँ पर आप सप्लायर की लाइबिलिटी को पे कर रहे हो किसी और के फेवर में, तो वहाँ पर भी ये 180 डेज का क्राइटेरिया जो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये नहीं देखा जाएगा। बाद में जब आप सब्सिक्वेंट पेमेंट करते हो तो आप क्रेडिट ले सकते हो। नो क्रेडिट इफ डेप्रिसिएशन इज क्लेम्ड अंडर इनकम टैक्स कंपोनेंट, अगर आप कैपिटल गुड्स पे जीएसटी जो लगा उसका क्रेडिट लेना चाहते हो तो फिर वो जीएसटी पोर्शन पे डेप्रिसिएशन नहीं ले सकते हो, और अगर आप पूरे इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी कंपोनेंट डेप्रिसिएशन लेना चाहते हो आप क्रेडिट नहीं ले सकते हो, लेकिन अगर आप जीएसटी कंपोनेंट का क्रेडिट चाहिए आपको तो आप उस पर डेप्रिसिएशन, मतलब समझ गए ना, या तो डेप्रिसिएशन मिलेगा या तो जीएसटी का क्रेडिट मिलेगा। ठीक है, मैं इतने फास्ट बोल रहा हूँ कि कई बार मुझे सोचने का भी टाइम नहीं मिल रहा है, लेकिन आई होप सेंस बन रहा है आप लोगों को। देन टाइम लिमिट फॉर टेकिंग द क्रेडिट, क्रेडिट कब तक के ले सकते हैं, तो अगर हम लोग इनवॉइस की बात करें या डेबिट नोट की बात करें तो वो जब इशू हुआ है उसके बाद में अगले साल के 20th October तक के, मतलब ड्यू डेट ऑफ द रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, जो कि नॉर्मली 20th October रहेगा, है ना, अगले साल के सितंबर का 20th October, मतलब सितंबर का ड्यू डेट, सितंबर के रिटर्न का ड्यू डेट और डेट ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। अब एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट 31st December रहती है, तो नॉर्मली एनुअल रिटर्न उसके बाद ही फाइल होगा, तो आप तब तक ही क्रेडिट ले सकते हो। अब यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग अमेंडमेंट आया है जो मैंने आप लोगों को बताया भी था,
अमेंडमेंट के वीडियो लेक्चर में भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा कि अगर इनवॉइस की बात करें, इनवॉइस अगर 2020-21 में इशू हुआ है तो इसका क्रेडिट तो वैसे भी आप सितंबर 21 के रिटर्न के ड्यू डेट तक के ले सकते हो। लेकिन डेबिट नोट में क्या था कि अगर डेबिट नोट कौन से इनवॉइस से रिलेटेड है वो देखते थे, बट अब वैसा नहीं है। अब डेबिट नोट अगर 2021 में इशू हुआ है तो आप सितंबर के ड्यू डेट तक ले सकते हो, अगले साल मतलब सितंबर 21 तक के। लेकिन अगर ये इनवॉइस का डेबिट नोट 21-22 में इशू हुआ है तो ये डेबिट नोट के बाद वाले ईयर के सितंबर तक अब आप क्रेडिट ले सकते हो, मतलब सितंबर 2022 के रिटर्न के ड्यू डेट तक के अब आप उसका क्रेडिट ले सकते हो। अब डेबिट नोट का इनवॉइस के साथ में जो लिंकेज है वो नहीं देखा जाएगा, मतलब डेबिट नोट जिस साल में इशू किया है उस साल के बाद वाले फाइनेंशियल ईयर के सितंबर के ड्यू डेट तक के, सितंबर की रिटर्न के ड्यू डेट तक अब आप क्रेडिट ले सकते हो। सिर्फ ये चार वर्ड्स कट कर दिया तो पूरा मीनिंग ही यहाँ पर चेंज हो जाता है। सो आई होप हम लोग ने इसके एग्जांपल्स वगैरह देखे थे क्लास में, है ना, अमेंडमेंट का इफेक्ट भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये बेसिक बात होगी सेक्शन 16 की। सेक्शन 16 मतलब एकदम ये स्कोरिंग वाला एरिया हो गया। अब सेक्शन 17 जो है जो कि ब्लॉक्ड क्रेडिट्स की बात करता है, तो ये जो पूरा कंसेप्ट है, अब सेक्शन 17 में इन रिस्पेक्ट ऑफ मैनर ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज, ये अब आपके सिलेबस से उन्होंने इस बार से हटा दिया है। सो ये फाइनल के लिए रेलेवेंट कर दिया है, एंड गुड न्यूज इज कि आपकी ही एग्जाम से हटा दिया है, तो ये पूरा आप लोगों को नहीं पढ़ना है। पेज नंबर 8, पेज नंबर 9, पेज नंबर 10, ये आप लोगों को नहीं पढ़ना है। एंड उसके रिस्पेक्ट में जो भी मैंने चार्ट्स और डायग्राम्स क्लास में बताए थे उसको अभी के लिए आप भूल जाओ। सीए फाइनल में पहुंचोगे तब तक क्या पता उसमें और चेंजेस आ जाए, तो सीधा चेंज्ड वाला ही पढ़ना। अब सेक्शन 17 में लेकिन क्या लिखा है ये पढ़ लेना आप, जरा सा यहाँ पर पढ़ लेना कि अगर आप आईटी बिजनेस पर्पस के लिए लेते हो तो आपको आईटीसी मिलेगा, अदर पर्पस के इनपुट्स लेते हो तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, पता है। जीरो रेटेड सप्लाई या टैक्सेबल सप्लाई के लिए आप इनपुट्स लेते हो तो आईटीसी मिलेगा। एग्जेम्प्ट सप्लाई या नॉन टैक्सेबल सप्लाई के लिए आप इनपुट्स लेते हो तो आईटीसी नहीं मिलेगा। नॉन टैक्सेबल मतलब कि क्या क्या होता है, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, पेट्रोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह वगैरह, तो उसमें आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। जीरो रेटेड मतलब क्या होता है, इट इज रिलेटेड टू सप्लाई टू एसोसिएटेड यूनिट्स और सप्लाई टू और एक्सपोर्ट्स, है ना, जिसमें क्रेडिट अवेलेबल रहता है इनपुट्स का, ओके। ये जो वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई है ये आप इग्नोर कर सकते हो, ये भी आप इग्नोर कर सकते हो, बिकॉज ये जो है ये रूल 42 एंड 43 से संबंधित है, तो इसकी ज्यादा चिंता मत करो। अब यहाँ पर सिर्फ इतना सा, मतलब सेक्शन 17 1 एंड 2 सिर्फ इतना सा आपको पढ़ना पड़ रहा है, पढ़ने मिल रहा है। अब सेक्शन 17 5, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे मेन सेक्शन है कि भाई कौन से चीज का क्रेडिट नहीं मिलता है। तो ये मैंने बहुत अच्छे से आपकी बुक में दिया है, एक्सेप्शंस जो है वो दूसरे कॉलम में आपको दिए हैं, तो आप देख सकते हो एक एक चीज। अब इसमें ध्यान से देखो, आपको लिखा हुआ है कि मोटर व्हीकल्स अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट ले लिया है तो क्रेडिट हमेशा मिलेगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं। अगर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट या पर्सन्स के ट्रांसपोर्ट ले लिया है और अगर उसकी पैसेंजर कैरिंग कैपेसिटी 13 पैसेंजर से ज्यादा है, 13 लोगों से ज्यादा है, तो फिर अगेन क्रेडिट मिलेगा, ओके। तो ये आपको लिखा हुआ है इंक्लूडिंग द ड्राइवर, इफ द कैपेसिटी इज नॉट मोर देन 13 तो फिर क्रेडिट पे रिस्ट्रिक्शन आता है। उसमें भी इफ द मोटर व्हीकल हैज बीन टेकन फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ द मोटर व्हीकल इटसेल्फ, मतलब अगर आप एक कार डीलर हो, आपने कार खरीदा कार बेचने के लिए, आपको क्रेडिट मिल जाएगा। आपने अगर पैसेंजर सर्विस ट्रांसपोर्टेशन के लिए व्हीकल खरीदा है, ओके, फर्दर सप्लाई करने के लिए, अगर आप मान लो कार को किराए पे चलाते हो, ओके, तो फिर उस केस में आपको क्रेडिट मिल जाएगा। या अगर आप ट्रेनिंग स्कूल ड्राइविंग स्कूल के लिए, अगर आप ड्राइविंग ट्रेनिंग इम्पार्ट करने के लिए अगर आपने मोटर व्हीकल खरीदा है तो आपको क्रेडिट मिल जाएगा। ये वाली सर्विसेज के लिए अगर आपने पैसेंजर व्हीकल खरीदा है तो क्रेडिट मिलेगा, बाकी सप्लाई के लिए यूज किया तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। आई होप दिस चार्ट इज सफिशियंट, है ना, जो मोटर व्हीकल के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट लिखा है, ये चार्ट जो है इसमें आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। देन वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट, इसमें भी सिमिलर बात है। गुड्स के लिए अगर है वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। पर्सन ट्रांसपोर्ट के लिए है, लोगों के ट्रांसपोर्ट के लिए है, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के लिए है, तो अगर आपने सिर्फ फर्दर सप्लाई के लिए लिया तो क्रेडिट मिलेगा। अगर ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर मतलब ये वाले सप्लाई के लिए लिया, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सप्लाई के लिए लिया वेसल या एयरक्राफ्ट, तो फिर आपको क्रेडिट मिलेगा। अगर आपने नेविगेशन या तो फिर फ्लाइंग ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए वेसल लिया है या एयरक्राफ्ट लिया है तो फिर आपको क्रेडिट मिलेगा, है ना, बाकी कोई सप्लाई के लिए लिया है तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। सो ये भले ही आप बोलते हो कि हम हमारे बिजनेस के लिए यूज करते हैं, बट फिर भी आपको क्रेडिट अदरवाइज नहीं मिलेगा। अब देन आते हैं कि सर्विसेज, ये जो अदर सर्विसेज हैं, कौन सी सर्विसेज, जनरल इंश्योरेंस, सर्विसिंग, रिपेयर, मेंटेनेंस,
so far as they relate to motor vehicles, vessels or aircrafts referred to in clause A or clause AA. तो अगर आपको वो मोटर व्हीकल या वेसल का क्रेडिट नहीं मिल रहा है ये वाले केसेस में, इफ इट इज यूज्ड फॉर अदर सप्लाई ये वाले केसेस में, तो अगर वैसे वाले मोटर व्हीकल्स के लिए क्या होगा कि आपको अगर मोटर व्हीकल एयरक्राफ्ट या वेसल का क्रेडिट अवेलेबल नहीं है तो फिर आपको नॉर्मली उसका क्रेडिट किस चीज का नहीं मिलेगा, इंश्योरेंस सर्विसिंग एंड रिपेयर मेंटेनेंस का क्रेडिट नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हो मोटर व्हीकल के या एयरक्राफ्ट के या वेसल के, तो फिर आपको इंश्योरेंस सर्विसिंग रिपेयर मेंटेनेंस का क्रेडिट मिलेगा। अगर आप इंश्योरर हो तो फिर आपको इंश्योरेंस सर्विसिंग रिपेयर मेंटेनेंस का क्रेडिट मिलेगा। ओके, इंश्योरर अगर फर्दर री इंश्योरेंस करवाता है तो उसको क्रेडिट मिलेगा, ध्यान रखना। ओके, मतलब एक्सेप्शन के कैसे एक्सेप्शन निकलते हैं। वैसे तो अगर मोटर व्हीकल का क्रेडिट नहीं मिलता है तो उसके इंश्योरेंस सर्विसिंग रनिंग मेंटेनेंस रिपेयर मेंटेनेंस का भी क्रेडिट नहीं मिलता है, लेकिन मोटर व्हीकल का क्रेडिट नहीं मिलता है फिर भी इंश्योरर को या मैन्युफैक्चरर को इंश्योरेंस सर्विसिंग रनिंग मेंटेनेंस का क्रेडिट मिल जाता है, रिपेयर मेंटेनेंस चार्जेस का क्रेडिट मिल जाता है। एंड अगर आपने वो मोटर व्हीकल एयरक्राफ्ट या वेसल को स्पेसिफाइड पर्पस के लिए यूज किया है, कौन से स्पेसिफाइड पर्पस थे, फॉर फर्दर सप्लाई, या तो फिर दूसरा पर्पस क्या था, फॉर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस, तीसरा पर्पस था फॉर ड्राइविंग स्कूल या तो फिर ट्रेनिंग है ना, नेविगेशन या तो फिर फ्लाइंग की ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए, तो फिर आपको मोटर व्हीकल का भी क्रेडिट मिलेगा, एयरक्राफ्ट वेसल का भी, और उसका इंश्योरेंस सर्विस रनिंग एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस का भी क्रेडिट मिलेगा। तो ये आपको क्लियर रहना चाहिए कि वहां पर क्रेडिट डिसअलाउ हुआ तो यहाँ पर डिसअलाउ होगा, वहां पर अलाउ हुआ तो आगे तो अलाउ होगा ही क्रेडिट, तो गुड्स ट्रांसपोर्ट व्हीकल का भी सर्विसिंग वगैरह का क्रेडिट तो मिलेगा, ठीक है। अब ये वाले केस में डिसअलाउ होगा, लेकिन इसमें भी कब डिसअलाउ नहीं होगा क्रेडिट, अगर आप मैन्युफैक्चरर हो या इंश्योरर हो तो आपको उस केस में भी क्रेडिट मिल जाएगा, है ना। तो ये बातें हैं जो यहां से निकल के आती हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर ए, डबल ए एंड ए बी इसमें कवर्ड है। देन पॉइंट नंबर बी हम लोगों ने, अच्छा इसमें और क्या चीज लिखी हुई है, आईटीसी ऑफ लीजिंग रेंटिंग और हायर। हाँ, ये पॉइंट नंबर बी में कवर्ड है पॉइंट, है ना। लीजिंग रेंटिंग और हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल वेसल्स और एयरक्राफ्ट रिफर टू इन क्लॉज ए और ए एक्सेप्ट व्हेन यूज्ड फॉर द पर्पसेस स्पेसिफाइड देयरिन। तो अगेन, अगर आपको मोटर व्हीकल का क्रेडिट मिलता है तो फिर वो मोटर व्हीकल को लीज रेंट या हायर बेसिस पे लेने का भी क्रेडिट मिलेगा, लेकिन अगर आप वो मोटर व्हीकल ही क्रेडिट के लिए एलिजिबल नहीं है तो उसको लीज रेंट या हायर बेसिस पे लिया तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। मतलब वही कि अगर आपने मान लो ड्राइविंग स्कूल चलाने के लिए किसी से हायर बेसिस पे कार लिया है तो हायरिंग चार्जेस का क्रेडिट मिलेगा, लेकिन अगर आपने मान लो एक फैक्ट्री में अपनी इंप्लॉयज को भेजने के लिए अगर एक कार हायर पे लिया है तो आपको हायरिंग चार्जेस का या रेंटिंग चार्जेस का क्रेडिट नहीं मिलेगा, ठीक है। सो ये आपको लिखा हुआ है पॉइंट नंबर बी का ये पार्ट। उसके अलावा फूड एंड बेवरेजेस, आउटडोर केटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस, ये वाली सर्विसेज के रिस्पेक्ट में क्या लिखा हुआ है आपको कि आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा अनलेस यू आर यूजिंग दिस एज एन इनपुट सर्विस टू प्रोवाइड एन आउटपुट सर्विस ऑफ द सेम कैटेगरी, है ना, आउटपुट सप्लाई ऑफ द सेम कैटेगरी और एज एन एलिमेंट ऑफ अ टैक्सेबल कंपोजिट और मिक्स सप्लाई। अगर आप ये वाली सर्विस को एज एन इनपुट सर्विस यूज कर रहे हैं, सेम फॉर सेम, आप लोगों को याद होगा तो हम लोग ने डिस्कस किया है इसको, है ना। इफ यू आर यूजिंग द सेम सर्विस टू प्रोवाइड द सेम सर्विस, है ना, एक रेस्टोरेंट ने अगर किसी और से फूड परचेस किया और फर्दर वो फूड सप्लाई करने का काम कर रहा है उसको क्रेडिट मिलेगा, ठीक है, एंड सो ऑन। देन लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस में भी सेम बात लिखी हुई है। और फिर आपको B1 से B3 में क्या लिखा हुआ है, ITC in respect of such services shall be available if it is obligatory for an employer। ये वाली तीनों services में और एक point क्या है कि अगर employer के लिए obligatory है कोई law के under में कि आपको employee को ये services देना ही है तो फिर credit मिल जाएगा employer को, if it is not obligatory under any law तो फिर credit जो है वो नहीं मिलेगा unless it is used same for same, है ना। जैसे कि आप मान लो से marriage hall including catering वगैरह provide करते हो तो उसके लिए आपने मान लो किसी से आपने सर्विसेज लिया है आउटडोर केटरिंग की, आपने फर्दर डेलीगेट किया, ओके आप क्या कर रहे हो, आप हॉल प्लस फूड वाली सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो सामने, आपका कंपोजिट सप्लाई हो गया ये, ठीक है, और आपने किसी से केटरिंग सर्विसेज लिया है तो आपको क्रेडिट मिल जाएगा इस केटरिंग सर्विसेज का, ठीक है, बिकॉज यू आर यूजिंग इट एज एन एलिमेंट, यूजिंग इट टू प्रोवाइड इट एज एन एलिमेंट ऑफ योर कंपोजिट सप्लाई फर्दर।
ठीक है, मेंबरशिप ऑफ अ क्लब, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर, इसका क्रेडिट नहीं मिलता है नॉर्मली अनलेस एम्प्लॉयर के ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन है. ट्रैवल बेनिफिट्स एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉयज ऑन वेकेशन सच एज लीव और होम ट्रैवल कंसेशन. तो एम्प्लॉयज अगर वेकेशन पे उनको ट्रैवल बेनिफिट्स दे रहे हैं तो उसका जो भी खर्चा एम्प्लॉयर को आता है उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा अनलेस लीगली ऑब्लिगेटरी है उनके ऊपर में. आई होप इट इज क्लियर. तो सेम फॉर सेम वाला कंसेप्ट यहां पर आ गया. देन सी वाले पॉइंट में आपको लिखा है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस. इसमें क्या है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, इफ इट इज रिसीव बाय वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर. देखो रिलेटेड टू प्लांट एंड मशीनरी किसी ने भी रिसीव किया उसको क्रेडिट मिल जाएगा. प्लांट एंड मशीनरी में वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस का कोई प्रॉब्लम नहीं है. देखिए प्रॉब्लम किधर है, लैंड बिल्डिंग वगैरह में है ना, बाकी इमूवेबल प्रॉपर्टी में है. प्लांट एंड मशीनरी क्या होता है ये भी आपको बुक में दिया हुआ है ना. इट मीन्स एपरेटस इक्विपमेंट एंड मशीनरी फिक्स टू अर्थ एटसेट्रा. इट इंक्लूड्स द फाउंडेशन और स्ट्रक्चरल सपोर्ट दैट आर यूज्ड फॉर मेकिंग द आउटवर्ड सप्लाई. ये सब इंक्लूड होता है. बट एक्सक्लूड्स प्लांट एंड मशीनरी में क्या एक्सक्लूड होता है, लैंड बिल्डिंग और एनी अदर सिविल स्ट्रक्चर, टेलीकम्युनिकेशन टावर्स एंड पाइपलाइन लेड आउटसाइड द फैक्ट्री प्रीमाइसेस. तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस अगर वर्क कॉन्ट्रैक्टर को मिल रही है तो उसको क्रेडिट मिल जाएगा. ओके, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस अगर और कोई पर्सन को मिल रही है कंस्ट्रक्शन से संबंधित तो उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा. रिपेयरिंग से संबंधित रेवेन्यू नेचर की सर्विसेज तो उसको क्रेडिट मिल जाएगा. तो ये आपको ध्यान रखना है. ये चार्ट में काफी कुछ ये सिंप्लीफाई हो चुका है. यहां पर भी आप देख सकते हो व्हेन द वैल्यू ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस इज नॉट कैपिटलाइज्ड इन दिस केस आईटीसी इज अलाउड टू ऑल रेसिपिएंट्स. है ना, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस की वैल्यू को आप कैपिटलाइज कब करोगे, जब आपका कुछ एसेट में एनहेंसमेंट हो रहा है ना, जैसे बिल्डिंग की फ्लोर एक ऐड हो रही है तो कैपिटलाइज करोगे, तब आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा. लेकिन अगर आप खुद एक वर्क कॉन्ट्रैक्टर हो और आपने किसी और वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर से सर्विस लिया है आगे प्रोवाइड करने के लिए तो फिर आपको तो क्रेडिट मिलेगा ही, बिकॉज सेम फॉर सेम वाला केस हो गया. प्लांट एंड मशीनरी में सबको मिलेगा, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस अगर वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर ने लिया तो उसको भी मिलेगा. तो ये जो यहाँ पर जो टिक लगे हुए हैं ना ये वो स्पेशल नोट्स में लिखे हुए हैं. देन कंस्ट्रक्शन से संबंधित अगर गुड्स या सर्विसेज की अगर बात करें तो उसके रिस्पेक्ट में भी यहाँ पर एक चार्ट हम लोग ने बनाया था, सिमिलर चार्ट. अगर एक कॉन्ट्रैक्टर किसी और के लिए कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है और उसने गुड्स या सर्विसेज लिया है तो उसको हमेशा क्रेडिट मिलेगा. प्लांट एंड मशीनरी से संबंधित गुड्स या सर्विसेज लिया है कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए कोई पर्सन ने खुद के नाम से खुद के काम के लिए तो उसको क्रेडिट मिलेगा. रिपेयरिंग रेवेन्यू नेचर के वर्क के लिए कंस्ट्रक्शन के लिए गुड्स या सर्विसेज लिया है तो उसको फिर कंस्ट्रक्शन बोलना ही नहीं चाहिए आइडियली, तो फिर उसको क्रेडिट मिलेगा अगर वो कैपिटलाइज नहीं करता है तो. और अगर वो कैपिटलाइज करता है तो फिर जो लैंड बिल्डिंग या टेलीकम्युनिकेशन टावर्स या पाइपलाइन आउटसाइड द फैक्ट्री प्रीमाइसेस उसके लिए अगर उसने कंस्ट्रक्शन सर्विसेज लिया खुद के नाम से तो उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा. ओके, इवन दो वो आगे सेल करने का इंटेंशन रखता है ना, वो बिल्डिंग बना करके सेल करने का इंटेंशन रखता है तो भी उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल एक बिल्डर है जो कि एक बिल्डिंग बना रहा है और कंस्ट्रक्ट होने के बाद वो बोलता है कि मैं सेल करूंगा तो भी उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा क्योंकि वो ओन अकाउंट पे उसने लिया है, अभी तो उसके नाम पे ले रहा है ना वो, तो उसको उस समय क्रेडिट नहीं मिलेगा. क्योंकि बाद में अगर वो सेल करेगा तो आपको पता है कि सेल ऑफ बिल्डिंग पे जीएसटी नहीं लगता है ना कंस्ट्रक्शन के बाद में, तो वो आपको लिखा हुआ है यहां पर. ओके, इंक्लूडिंग व्हेन इट इज यूज्ड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मतलब सेल करने के लिए लिया तो भी. कंस्ट्रक्शन में सिर्फ टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन लिया जाएगा, तो आपको इसके बारे में भी नीचे लिखा हुआ है. प्लांट एंड मशीनरी का क्रेडिट मिलेगा, कैपिटलाइज नहीं किया तो क्रेडिट मिलेगा, ओन अकाउंट पे नहीं है तो क्रेडिट मिलेगा, मतलब कि किसी और के बिहाफ पे अगर आपने लिया तो क्रेडिट मिलेगा. देन अगर आपने कंपोजिशन, अब बाकी के तो बहुत पॉइंट्स बहुत इजी है एक एक लाइन के. कंपोजिशन लेवी में सामने वाले पर्सन कंपोजिशन लेवी में है सप्लायर तो रेसिपिएंट को क्रेडिट नहीं मिलेगा. एनआरटीपी को नॉर्मली गुड सर्विसेज का क्रेडिट नहीं मिलेगा लेकिन उसने जो गुड्स इंपोर्ट किया उसका मिलेगा. पर्सनल कंजम्पशन के जो गुड्स लिए उसका क्रेडिट नहीं मिलता है. गुड्स लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड, रिटर्न ऑफ और डिस्पोज्ड ऑफ बाय वे ऑफ गिफ्ट और फ्री सैंपल्स, क्लियरली क्रेडिट इसका नहीं मिलता है. एनी टैक्स पेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 74, 129 एंड 130, है ना, फ्रॉड, मिसस्टेटमेंट या सबट्रैक्शन से संबंधित अगर सप्लायर को टैक्स पे करना पड़ा तो उसका रेसिपिएंट को फिर वो क्रेडिट पास ऑन नहीं कर सकता है. तो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ सेक्शन 17.5. मैंने आपके लिए इतने सारे यहाँ पर इलस्ट्रेशंस देके रखे तो उसको आप देख सकते हो, कुछ भी आपको उसमें से लगता है तो मुझे पूछ सकते हो. ठीक है, सेक्शन 17.5 बिल्कुल एग्जाम में मतलब उस पर पूछने के चांसेस बहुत है, स्पेशली जब आप
रूल 42 एंड 43 आपके सिलेबस में नहीं है, तो ये तो एटलीस्ट आपको अच्छे से आना ही चाहिए। अब हम बात करते हैं सेक्शन 18 की। इसमें चार मेन सब सेक्शन है जो हमको पढ़ना है, 18(1), 18(3) और फिर 18(4) एंड 18(6). ये चार मेन सब सेक्शन हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना है। देखिए 18(1) में क्या दिया है, आई होप आप लोगों को याद होगा, अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन थे, अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन थे कंपोजिशन में और अभी आप रेगुलर में आ रहे हो, तो जो चेंज हुआ उस दिन जो आपके पास में स्टॉक है इनपुट या इनपुट या कैपिटल गुड्स का, तो उसका आप क्रेडिट ले सकते हो। इनपुट्स का तो पूरा क्रेडिट ले सकते हो, प्रोवाइडेड वो एक साल की पहले ही खरीदा हुआ है। एंड कैपिटल गुड्स में 100% ऑफ द क्रेडिट माइनस 5% पर क्वार्टर, जितने क्वार्टर्स हो गए हैं यूज उसका 5% हटाते जाओ, क्योंकि क्वार्टर के कुछ डेज है तो भी उसको क्वार्टर मान लेते हैं। वैसे अगर आप रजिस्टर्ड थे लेकिन पहले आपका सप्लाई एग्जेम्प्ट था, बट अब आपका सप्लाई टैक्सेबल हो गया है, तो आपका जो इनपुट्स या कैपिटल गुड्स अब जिसका आप क्रेडिट आप ले सकते हो, क्योंकि वो अब आप टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज करने वाले हो, तो अगेन इनपुट्स का 100% क्रेडिट ले लोगे, कैपिटल गुड्स का 100% एक साल के पहले जो खरीदा उतना ही, माइनस 5% पर क्वार्टर के रेट से हटा दो, उतना क्रेडिट कम कर दो उतने पीरियड का, जितने क्वार्टर्स हो गए यहाँ तक के तो उतना हटा दो, और बाकी का क्रेडिट कैपिटल गुड्स का भी ले सकते हो। लेकिन अगर आप अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड पर्सन बन रहे हो, तो इस ऐसे में दो केसेस हैं, एक कि अगर आपके ऊपर लाइबिलिटी टू रजिस्टर्ड थी और आपने ड्यू डेट के अंदर अप्लाई कर दिया था, तो वही केस में आपको क्रेडिट मिलेगा, अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड बन रहे हो तो फिर आपको स्टॉक ऑफ इनपुट्स का क्रेडिट मिल जाएगा अगर आपने 30 दिन के अंदर अप्लाई कर दिया है तो। सिर्फ यहाँ पर किस चीज का इनपुट्स का मिलेगा, कैपिटल गुड्स का नहीं मिलेगा, है ना। आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैंने चार्ट में भी ये लिखा हुआ है ना, मैक्सिमम ऑथर्स का या तो फिर टीचर्स का या इवन स्टूडेंट्स का यहाँ पर जो है ध्यान नहीं जाता है कि यहाँ पर कैपिटल गुड्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा, सिर्फ इनपुट्स का मिलेगा अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड में आ रहे तो। लेकिन अगर रजिस्टर्ड ही है, बस आपका स्टेटस चेंज हो रहा है कंपोजिशन से रेगुलर या एग्जाम से टैक्सेबल सप्लाई, तो फिर आपको कैपिटल गुड्स का भी क्रेडिट मिलेगा। ये पॉइंट्स पे भी आपको ध्यान देना है। और अगर आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया है, तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट आपका हो जाता है जब से आपका रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल है, तो फिर अनरजिस्टर्ड थे तब जो आपके पास इनपुट्स थे वो अगर स्टॉक में है तो इनपुट्स का क्रेडिट मिल जाएगा पिछले एक साल में खरीदे हुए, लेकिन कैपिटल गुड्स का नहीं मिलेगा। तो कैपिटल गुड्स का कब मिलेगा, अगर आप पहले रजिस्टर्ड थे जब कैपिटल गुड्स खरीदे तब, तो उसका क्रेडिट अब मिल जाएगा अगर आप अब आगे टैक्स पे करने के लिए लायबल हैं तो। तो ये है सेक्शन 18(1), ओके, जिसमें क्रेडिट आप कब ले सकते हो उसके बारे में लिखा है ना। आपको 30 दिन के अंदर डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ेगा जब से आप एलिजिबल हुए हो, है ना। जो 1 ईयर के पहले वाले इनवॉइसेस है उसका आप अभी क्रेडिट नहीं ले सकते हो। 2 लाख से ज्यादा का क्रेडिट है तो सीए का सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। बाकी GSTR 1 या GSTR 4 से वो क्रॉस वेरीफाई होना चाहिए सप्लायर के डिटेल्स के साथ में। देन हम लोग बात करते हैं पहले कौन सा, रिवर्सल ऑफ क्रेडिट अंडर दिस स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। अगर आपने पहले रेगुलर स्कीम में क्रेडिट लिया था और अब आप कंपोजिशन में कन्वर्ट हो रहे हो, तो आपके पास में जो कन्वर्जन का डेट है उस दिन जो इनपुट्स है उसका पूरा ITC आपको रिवर्स करना चाहिए। एंड कैपिटल गुड्स का कैसे पे करना पड़ेगा, ITC इंटू रिमेनिंग लाइफ अपॉन 60 मंथ्स, मतलब कि वो कैपिटल गुड्स की कितनी लाइफ बची है उतना कैलकुलेट करो, मंथ्स में कैलकुलेट करो। मान लो 50 मंथ्स की लाइफ बची है तो इंटू 50/60, तो यहाँ पर आपको वो 5% वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना है, यहाँ पर नंबर ऑफ मंथ्स वाला फॉर्मूला यूज करना है। कैपिटल गुड्स की जो लाइफ है वो 60 मंथ्स मानना, ओके, 5% पर क्वार्टर वाला फॉर्मूला यहाँ यूज नहीं किया जाएगा इन द केस ऑफ सेक्शन 18(4). ओके, तो ये यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, 4 years 6 months and 15 days के लिए आपने मान लो क्या किया है, यूज किया है, इसका मतलब कि कितनी यूजफुल लाइफ बची है, तो इट इज 5 months and 5 days, है ना। 6.5 हो गया तो 12th तक जाने के लिए कितना बचा है, सिर्फ 5 months and 5 days, तो 5/60 कैपिटल गुड्स का ITC इंटू 5/60, उतना क्रेडिट आप क्या करो, उतना क्रेडिट आप कैलकुलेट करके रिवर्स कर दो, तो यहां पर, ठीक है। और वैसे ही अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहा है, आप अनरजिस्टर्ड पर्सन बन रहे हो, तो भी ये एप्लीकेबल रहेगा, ये आपका सेक्शन 29 में लिखा हुआ था, 29(6) में। और अगर आपका टैक्सेबल से एग्जाम सप्लाई हो रहा है तो भी यही लॉजिक अप्लाई होगा ये तीनों केसेस में, ठीक है। आपको इनपुट्स का पूरा रिवर्सल करना है क्रेडिट, एंड कैपिटल गुड्स का रिमेनिंग लाइफ इन मंथ्स अपॉन 60 मंथ्स, उस रेशियो में कैपिटल गुड्स की जो लाइफ बची उतना क्रेडिट आपको रिवर्स करना है, मतलब उतना आपको लाइबिलिटी में एड करके उतना अमाउंट पे करना है, ठीक है। और फिर इसके बाद में भी अगर आपका कुछ ITC बचता है
तो फिर वो आपका लैप्स हो जाएगा, ठीक है, उतना आईटी से आपका लैप्स हो जाएगा। देन ये तो आपको पता है, इफ आउटवर्ड सप्लाईज आर एग्जेम्प्ट नॉन टैक्सेबल और कवर्ड अंडर रिवर्स चार्ज। देखो एग्जेम्प्ट के डेफिनेशन में यहां पर रिवर्स चार्ज भी आता है ना, आपके सप्लाईज में अगर रिवर्स चार्ज सप्लाईज है तो उसको भी एग्जेम्प्ट की कैटेगरी में मानते हैं फॉर द पर्पस ऑफ आईटीसी, तो फिर आपको क्रेडिट नहीं मिलता है। चलो ठीक है, वो तो रूल 42-43 तो आपको है नहीं। अब सिर्फ ये दो प्रोविजंस बचे, एक सेक्शन 18(6) देख लीजिए, इसमें क्या लिखा है, इफ देयर इज सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स और प्लांट और मशीनरी ऑन व्हिच आईटीसी वाज टेकन अर्लियर। तो यहां पर आपने मान लो कोई पुराने डेट पे कैपिटल गुड्स खरीदा है और अभी बिफोर 5 years हैव लैप्स्ड आप वो कैपिटल गुड्स को सेल कर रहे हो, ओके, आपने उसको एक्वायर किया था और आप उसको 5 साल के अंदर अंदर सेल कर रहे हो, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, तो जितने क्वार्टर्स हो गए हैं उतने क्वार्टर्स का 5% का क्रेडिट छोड़ के बाकी का क्रेडिट जो है वो कैलकुलेट कर लो, और टैक्स ऑन ट्रांजेक्शन वैल्यू आपने जितने में सेल किया विच एवर इज हायर उतना अमाउंट आपको सेक्शन 18(6) के हिसाब से पे करना पड़ेगा, ओके। हायर ऑफ ए और बी, आईटीसी टेकन ऑन द कैपिटल गुड्स ऑन और प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस्ड बाय 5% फॉर एवरी क्वार्टर और प्लांट देयर ऑफ एंड टैक्स ऑन द ट्रांजेक्शन वैल्यू, ओके, विच एवर इज हायर, एंड स्क्रैप वगैरह के केस में ट्रांजेक्शन वैल्यू ले सकते हैं, आपको आईटीसी के एंगल से कैलकुलेट नहीं करना होगा। इस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व में भी है एंड आई थिंक अनसॉल्व में भी हम लोग ने एकाधा किया होगा, मैंने आपको क्लास में भी मेरा खुद का एग्जाम्पल दिया था है ना, जो मैंने असेट्स कुछ तो भी कैप्स को ट्रांसफर किए थे उसका। एंड देन सेक्शन 18(3), ये तो चलो थियोरेटिकल है, आईटीसी इन द चेंज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आईटीसी भी चेंज हो, आईटीसी भी ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है, अगर एक पर्सन अपना बिजनेस जो है वो सेल कर रहा है या मर्जर के केस में बिजनेस पूरा का पूरा चेंज हो रहा है एंड कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो रहा है, ओके, फॉर एग्जाम्पल एक इंडिविजुअल कंपनी में कन्वर्ट हो रहा है या तो फिर एक पार्टनरशिप फर्म जो है वो कंपनी में कन्वर्ट हो रही है, उस टाइप का केस, या कंपनी LLP में कन्वर्ट हो रही है, सेल मर्जर डीमर्जर अमलकमेशन लीज और ट्रांसफर ऑफ द बिजनेस, तो ऐसे केस में जो दूसरा पर्सन है ही हैज टू गेट रजिस्टर्ड, रजिस्ट्रेशन चैप्टर में हमने पढ़ा था कि अगर वो गोइंग कंसर्न में किसी और से बिजनेस लेता है तो दिस इंक्लूड द केस ऑफ डेथ एज वेल, डेथ ऑफ द प्रोप्राइटर भी यहां पर इंक्लूड होता है, ओके। देयर शुड बी स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर ट्रांसफर ऑफ लाइबिलिटीज ऑल्सो, मतलब असेट्स एंड लाइबिलिटीज दोनों ट्रांसफर हो रही है, तो फिर आईटीसी भी ट्रांसफर किया जा सकता है, उसका पूरा प्रोसीजर आपको दिया है कि ITC 02 फॉर्म में भरना पड़ेगा, फिर जो ट्रांसफरी है वो एक्सेप्ट करेगा, डीमर्जर के केस में प्रोपोर्शनेट आईटीसी ही मिलेगा वैल्यू ऑफ द असेट्स के हिसाब से, एंड इनपुट्स एंड कैपिटल गुड्स सो ट्रांसफर्ड शैल बी ड्यूली अकाउंटेड फॉर बाय द ट्रांसफरी इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट, तो वो इनपुट्स एंड कैपिटल गुड्स को अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर लेगा, बाद में वो ट्रेसेबल रहेगा। एंड अगर आपने एक ही स्टेट में पहले आपके मान लो दो प्लेसेस थे जिसको आप एक को प्रिंसिपल प्लेस और एक को एडिशनल प्लेस बताते थे, लेकिन दोनों का सेम GSTIN था, अब आप इसको सेपरेटली रजिस्टर करना चाहते हो, ओके, एडिशनल प्लेस का सेपरेट GSTIN लेना चाहते हो, तो अगेन आप प्रोपोर्शनेटली, ओके, वैल्यू ऑफ असेट्स के रेशियो में अगर आपके पास पुराने GSTIN में ITC अवेलेबल है तो उसको एडिशनल प्लेस एंड प्रिंसिपल प्लेस के बीच में आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, तो ये आपको लिखा है, लेकिन न्यूली रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस को आप ITC ट्रांसफर कर सकते हो विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम ऑब्टेनिंग सच सेपरेट रजिस्ट्रेशन, ओके, आईटीसी शैल बी ट्रांसफर टू द न्यूली रजिस्टर्ड एंटिटीज इन द रेशियो ऑफ द वैल्यू ऑफ असेट्स हेल्ड बाय देम एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो जब न्यू एंटिटी रजिस्टर हो रही है उस रेशियो में, ओके, आईटीसी जो है वो ट्रांसफर कर देंगे सामने वाले को, तो टोटल आईटीसी का भी इंक्रीज नहीं होता ट्रांसफर करने से, एक का काम हो जाता है दूसरे का बढ़ जाता है। सो दैट्स इट, रूल 42-43 नहीं होने के कारण ये चैप्टर अब आप लोगों को काफी छोटा लगना चाहिए एंड स्कोरिंग लगना चाहिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट कंप्लीटेड कुछ भी लगता है तो आप मुझे पूछ सकते हो। एक्सक्यूज मी सर, बोलिए सर, आईटीसी के जो ब्लॉक क्रेडिट, सर आवाज इको हो रहा है क्या? नहीं आ रही है, बोलो सर। आईटीसी के जो ब्लॉक क्रेडिट्स वाले केसेस है सर, उसमें जो थर्ड नंबर है उसमें आईटीसी अलाउ कैसे होगा वो एक बार समझाइए ना। ये वाले केसेस की बात कर रहे हो? यस। कार परचेज्ड बाय कंपनी एंगेज इन रेंटिंग आउट कार्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स, तो वो कंपनी क्या कर रही है, वो कार को ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर के लिए रेंट आउट कर रही है, समझ में आ रहे? तो yes. है ना, हाँ, अगर आप स्पेसिफिकली देखो तो यहां पर जो सर्विसेज अलाउड है वो क्या है, सप्लाई ऑफ द मोटर व्हीकल इटसेल्फ या ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर सर्विस या तो फिर इम्पार्टिंग ड्राइविंग ट्रेनिंग, तो आपकी बात सही है, यहाँ पर अगर सिर्फ रेंटिंग का आप काम कर रहे हो
तो आपको क्रेडिट अलाउ नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं उसको इसमें कवर कर सकता हूँ, है ना, सप्लाई ऑफ मोटर व्हीकल। वो मोटर व्हीकल को सप्लाई कर रहे हैं, रेंट पे दे रहे हैं, मतलब मोटर व्हीकल को भले ही सेल नहीं कर रहे हैं लेकिन उसको वो रेंट आउट कर रहे हैं, मोटर व्हीकल को रेंट पे दे रहे हैं, तो एक तरीके से सप्लाई ही कर रहे हैं ना, भले ही ओनरशिप ट्रांसफर किए बगैर, तो इसमें वो कवर हो जाएगा, भले वो डायरेक्टली पैसेंजर सर्विस नहीं दे रहे हैं, तो इसलिए क्रेडिट मिल सकता है फिर, है ना। यस सर, एक सेक्शन 17(4) का पॉइंट छूट गया आपसे, बताते हैं। सेक्शन 17(4) किधर रह गया? पेज नंबर 10। ये भी आपको नहीं पढ़ना है बेटा, मैंने कट कर दिया ना, क्योंकि ये आपको ऑप्शन वन ऑप्शन टू जब रूल 42 एंड 43 नहीं पढ़ा तो ये कैसे करोगे आप, ठीक है, वो आपको नहीं, आप भी छोड़ देना, ठीक है, मैंने भी छोड़ दिया, आप भी छोड़ दो। चलिए, सो ये वाला चैप्टर कंक्लूड करते हैं।